हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कपल्स डीआईवाई क्राफ्ट। आज हम आपको क्ले बनाना सिखाएंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ मैंने एक कप फेविकॉल लिया है। आपको यहाँ पे नॉनस्टिक पैन लेना है और उसमें फेविकॉल डालना है। उसके बाद एक कप कॉर्नफ्लोर लिया है। कॉर्नफ्लोर और फेविकॉल का मिक्सचर आप बराबर मात्रा में रखेंगे। यहाँ पर 2 टेबल स्पून विनेगर चाहिए हमें। उसके बाद 2 टेबल स्पून बेबी ऑयल या फिर कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस ना हो। इसके बाद हम इसमें 1 पिंच सॉल्ट डालेंगे और इसको बहुत ही अच्छे से मिलाएंगे सो दैट इसमें कोई भी लम्स ना रहें। फ्रेंड्स, यहाँ पे याद रखिएगा, आपको इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। अगर इसमें कोई भी लम्स रहेगा तो वो बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ पर हम वाइट कलर डालेंगे, ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप वाइट कलर स्किप करेंगे तो आपका जो क्ले है वो ट्रांसपेरेंट बनेगा। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप उसमें वाइट कलर थोड़ा सा ऐड करें। अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और कंटिन्यूसली हमारी जो क्ले का मिक्सचर है उसको हम चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 से 5 मिनट्स के बाद ये अपने आप गाढ़ा होने लगेगा। बट आपको ये याद रखना है कि आप इसे कंटिन्यूसली चलाते रहें। देखिए, मैं यहाँ पे इसको कंटिन्यूसली चला रही थी और ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है। हमें इसको ऐसे ही चलाना है हर तरफ से स्क्रेप करके। आप नॉन स्टिक पैन लीजिएगा तो ये बिल्कुल भी स्टिक नहीं करेगा। देखिए, अपने आप छोड़ने लगा, अभी ये पूरी तरीके से गाढ़ा हो गया है। आप इसको और 2-3 मिनट पकाएंगे तो ये अपने जो ये सारे साइड्स इसमें लगे हुए हैं वो छोड़ देगा, पूरा एक बॉल के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको स्क्रेप कर लेंगे और देखिए, प्रेस करते हुए राउंड राउंड घुमाते हुए इसको अच्छे से पकाना है। यहाँ पे आप इसका टेस्ट करके देखिएगा। स्पून को क्ले के ऊपर रखिएगा और ऊपर उठाइएगा। अगर क्ले स्पून में स्टिक हो रहा है, ईजिली नहीं गिर रहा नीचे, तो इसका मतलब है कि आपको उसको 2 मिनट और पकाना है। उसके बाद आप फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा और प्लेटफॉर्म पर लोशन लगाकर क्ले को निकाल लीजिएगा। और बहुत अच्छे से हमें इसको नीट करना है। आप अपने हाथ भी ग्रीस कर लीजिएगा सो दैट क्ले आपके हाथ में चिपके नहीं। फर्स्ट 5 मिनट्स ही आपके हाथ में स्टिक करेगा और प्लेटफॉर्म पे भी स्टिक करेगा, बट आप इसमें लोशन लगाते जाइएगा और इसको नीट करते जाइएगा। अगर आपका डो बहुत ज़्यादा लिक्विड है तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर और मिला सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो थोड़ा सा आप इसमें फेविकॉल मिला लीजिएगा। और आप इसको नीट करिए कम से कम 10 या 15 मिनट। जितना आप ज़्यादा नीट करेंगे उतनी ही आपकी क्ले इलास्टिक बनेगी और स्मूथ बनेगी। यहाँ पे आप इसको बहुत अच्छे से नीट करिएगा, सारा क्ले स्क्रेप कर लीजिएगा। और देखिए, ये मेरा क्ले रेडी हो गया है। अब इसको फोल्ड कर करके अच्छे से नीट करिए और देखिए, ये हमारा टीयर ड्रॉप शेप बनना चाहिए क्ले का। देखिए कितना ईजिली बन रहा है और क्ले एकदम रेडी है। आप इसको क्लिंग फॉइल में रैप करके एक एयरटाइट डिब्बे में फ्रिज में रखिएगा। ये 2-3 महीने तक ख़राब नहीं होता। और इस क्ले की सबसे अच्छी बात है कि आप इससे जो मिनिएचर फूड है वो बहुत ईजली और बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये कॉर्गीडॉग प्लांटर बनाया हुआ है, इसी क्ले से बनाया है। ये भी ये गर्ल फेस प्लांटर बनाया है। इस क्ले को आप जहाँ चाहे वहाँ यूज़ कर सकते हैं और आप इस क्ले को कलर भी कर सकते हैं। ये देखिए, जगन्नाथ आइडल हमने इससे बनाए हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपने ये कैसे बनाया है, हमें क्ले की रेसिपी दीजिए। तो ये रिक्वेस्टेड वीडियो हमारे व्यूअर्स के लिए है। आप भी घर पे बनाइए ये क्ले और सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट्स बना के हमें बताइए। ये देखिए, ये मिनिएचर फूड राखीज हैं जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में हैं। ये इसी क्ले से बनाई गई हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।